हमें अंधेरे को भगाना नहीं है, हमें रोशनी इतनी करनी है कि अंधेरा वहां से भाग जाए। हमें बच्चों को इतना व्यस्त कर देना है कि वो सोच ही नहीं पाए, और जैसे ही उनको अपने साधना से, गेम्स से, संगीत से, सेवा से जो आनंद मिलेगा, वो आनंद क्यों लेंगे ड्रग में जा करके। जी, यहाँ एक और मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ ये बहुत देखा गया है, मैं चाहता हूँ कि अपना पहला ड्रिंक, फादर कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ ले, पहला फैग या पहला जो स्मोक का वो होगा वो मेरे साथ ले, ये कितना घातक हो सकता है। पेरेंट्स खुद तो ड्रिंक्स या स्मोकिंग या इनमें थे, लेकिन जो ये ओपननेस देना, ये क्या बच्चे को अपनी साथ लेकर चल रहे हैं या ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं कि एटलीस्ट वो पिएगा तो मेरे सामने पिएगा, और वो 16-17 साल के बच्चों के साथ शुरुआत मैंने करा दी, तो इज़ इट राइट, ये सही परिप्रेक्ष्य है या ये कहीं बहुत घातक साबित हो सकता है? नहीं, गलत चीज़ तो घातक ही साबित होगी, पर वो पिता बेबस है, वो सोचता है कि बाहर जाके करेगा तो मैं घर से ही शुरू करा दूं, जब बच्चा गलत काम करेगा तो मैं उसको कहूं घर में ही कर लो। कितने कितने माँ बाप बेबस हो गए, बोले बेटा तू ड्रग्स लेता है तो ले, पैसे तू लेता रह, पर मुझे पूछ के लेना, मेरे सामने लेना, मैं ऐसा करना ऐसा करना। और कहीं कहीं हम समाज में बहुत ऊंचे वर्ग के बनने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न है, तब भी हम कभी ऐसी बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बच्चों को बिठाएंगे, बच्चे को। तो गलत बात तो कनुप्रिया गलत है, मेरे विचार से ऐसा होने से बहुत नुकसान है। पर दूसरी बात भी है कि हम इतने सख्त रहें, बच्चों से ऐसी बात ही नहीं करें, बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं करें, वो भी गलत है। तो आपको बच्चों को इतना समझाना चाहिए, फिर आपको ले बेटा ड्रिंक, तो जब आपका बच्चा मना करे तो आप समझ लो आप सक्सेस हो गए। हमने ऐसे प्रयोग किए, कभी कभी आपसी स्थिति आई, बच्चे के साथ एक ड्रिंक ले लिया, दो ले लिए, फिर माँ बाप को समझ आ गई कि ये गलत किया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तब बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो कभी बच्चों ने कहा नहीं पापा मुझे ये अच्छी लगती है ड्रिंक। और ऐसी भी कनुप्रिया बात है कि आप सोचें कि इस विश्व में जो लोग वाइन नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत साधु होंगे, बहुत संत होंगे, हो सकता है सबसे खराब हों। और जो व्यक्ति रोज़ ड्रिंक करता है वो हो सकता है बहुत अच्छा हो। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम ऐसा निश्चित नहीं कर सकते।